अगला क्वेश्चन जो है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर के कई सारे यूजेज होते हैं, जैसे किसी बैटरी का ईएमएफ पता कर सकते हैं, किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना इस क्वेश्चन में कहा गया है, द बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ सेल इज 560 सेंटीमीटर। ये होता है सर्किट, इसमें देखेंगे ये एक बैटरी है ना, और ये जो है इसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर का। ये पोटेंशियोमीटर वायर है, यहाँ पर एक स्लाइडर होता है, और ये सेकेंडरी सर्किट है, ये बैटरी है। तो जब यहाँ से करंट जा रहा होगा, ये एक स्विच है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि 10 ओम का क्वेश्चन में दिया गया है ना। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ है ना। तो जब करंट फ्लो कर रहा है, ये स्विच ओपन है, तो करंट यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, है ना। इसको हम लोग स्लाइड करते जाएंगे, जब बैलेंसिंग पॉइंट आएगा तो ये लेंथ दिया गया है 560 सेंटीमीटर, है ना। उस स्टेट में क्या होगा कि यहाँ से करंट नहीं जाता। जब बैलेंस स्टेट आने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा जीरो, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा। कोई करंट नहीं जाने का मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आएगा वो इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। तो ईएमएफ जो है वो लिखा जा सकता है, एक होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेते हैं एक्स है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ यहाँ पर 560 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ईएमएफ आ जाएगा, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ पर इतना है तो 560 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस और ये बराबर होगा, है ना। अब जो है इसमें क्या करेंगे, ये स्विच जो है इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने से क्या होता है कि बैलेंस स्टेट में भी अब करंट इसमें फ्लो करता है ना, इसमें करंट फ्लो करता रहता है। बैलेंस स्टेट आने का मतलब यहाँ से करंट जीरो हो गया, यहाँ से करंट जीरो हो गया, इसमें लेकिन करंट फ्लो करेगा क्योंकि हमने स्विच को क्लोज कर दिया है, ठीक। तो यहाँ क्या बताया गया कि ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम का, जब इसको जोड़ा गया है तो बैलेंस लेंथ जो है वो चेंज हो गया है ना। कहा गया व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेल, जैसे बैटरी जो है बैटरी के पैरेलल में जोड़ा गया है, द बैलेंसिंग लेंथ चेंजेज बाई 60 सेंटीमीटर, है ना। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज एन बाई 10 ओम देन वी हैव टू फाइंड द एन। अब ऐसा समझते हैं कि जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है तो करंट इसमें फ्लो कर रहा है ना। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं आएगा क्योंकि करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ का जो बैलेंसिंग लेंथ है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ई था जब 560 था, अब चूंकि ये बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रहा होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ई से कम हो जाएगा, ई माइनस आई आर होता है, यहां कम हो जाएगा तो ये बैलेंस लेंथ भी अब कम हो जाएगा, है ना। तो बैलेंस लेंथ कहा गया 60 से चेंज हो गया, यानी अब बैलेंस लेंथ आएगा 500 सेंटीमीटर, इसमें से 60 मैंने माइनस कर दिया तो अब बैलेंस लेंथ जो है वो 500 सेंटीमीटर है, ठीक। हमें पता है कि अब यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा ई माइनस आई आर, आई आर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 500 बैलेंस लेंथ हो गया, ठीक। अब इनका रेशियो निकालते हैं, इनका रेशियो निकालेंगे तो आएगा ई माइनस आई आर बाई ई इज इक्वल टू 500 बाई 560, है ना। तो ये आएगा 1 माइनस, या ऐसे ही रहने देते हैं, ई माइनस जो आई है इस केस में आई कितना आएगा, इस केस में आई आएगा ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, है ना। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना हो गया, तो करंट फ्लो करेगा ईएमएफ बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखा जा सकता है ई बाई आर प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई ई, ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 56, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर e कॉमन लेंगे, नीचे वाली e से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 माइनस आर बाई आर प्लस कैपिटल आर,
है ना, तो यानी कि आर डिवाइडेड बाई आर प्लस कैपिटल आर, ये हो गया 50/56। इसमें से कैपिटल आर दिया गया है 10, हमें स्मॉल आर निकालना है ना। तो ऐसा करते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर बाई आर 56 डिवाइडेड बाई 50, है ना। तो आर बाई कैपिटल आर प्लस 1 इज इक्वल टू 56/50। आर फाइंड करना है, कैपिटल आर 10 है, 56/50 माइनस 1, ये 1 को उधर ले गए, है ना, तो ये आएगा 6/50, है ना। तो देखेंगे ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आ गया 6/5 यानी कि 1.2, जबकि इंटरनल क्वेश्चन में कितना दिया गया है, ये दिया गया n/10। अगर इसको n/10 करेंगे तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 12, 12/10 1.2 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन में जो n पूछा गया है उसका वैल्यू 12 होना चाहिए।